दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए रोज एक बेहतरीन वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इलेक्ट्रिकल थ्योरी की लेकर के आ रहा था, जो कि मैं डिटेल से उनको समझाता था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह 16वां भाग का वीडियो दोस्तों, 15 भाग का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया था, यह 16वां भाग का वीडियो है। निश्चित ही यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो अगर वीडियो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखिए। और दोस्तों, अगर पिछली सारी वीडियोज आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी लिंक है, आप वहां पर जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो देखिए, वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। वायर वाउंड रजिस्टर को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? तो इसमें जो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा वह ए सही होगा, यूरेका। वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु यूरेका है। यह 40% निकिल और 60% तांबा, ठीक है, से बना मिश्र धातु होता है। यह तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है, यूरेका का उपयोग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन में के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें से प्रवाहित धारा होगी। तो देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह बी सही होगा, 3 एम्पियर। देखिए, सॉल्व करके देखते हैं हम कि ऊष्मक तंतु का जो प्रतिरोध है आर 80 ओम, जो हमारा 80 ओम है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी वोल्टेज है वह 240 वोल्ट है, तो हमारा जो फार्मूला होगा धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध इज इक्वल टू, वोल्टेज है हमारा 240 बटे प्रतिरोध हमारा 80, 8 ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 + 24 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 एम्पियर मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह बी सही होगा, R1 = R1 + R2। ये रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने का फार्मूला होता है, ना कि ओम के नियम पर, ठीक है। तो R = R1 + R2 या ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। समीकरण में जो I = V/R, W = I²R और V = W/I, यह तीनों सही है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि यही एक नहीं है ओम के नियम के अनुसार सही, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो आपकी समझ में आ रहा हो, तो लाइक करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ए सही होगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा। क्या है कि जब 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो लैंप का रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो वोल्ट, जो लैंप का जो वोल्टेज है
वो 6 बोल्ट का रेटेड है, हम उसको 250 बोल्ट देंगे तो निश्चित बात ही वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 6 बोल्ट की ही है और उसको हम 250 बोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ए सही होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, हमारा ऑप्शन जो इसमें सही होगा वह ए सही होगा, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये हो गया, तो चालक की प्रतिरोधकता का जो फार्मूला होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अगला प्रश्न है, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है, तो नया प्रतिरोध होगा उस तार का, मतलब उसको 3 गुना खींच दिया जाता है तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है। तो क्या है कि इसको हम, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका ऑप्शन अपने आप निकल आएगा। देखिए क्या है कि जो फार्मूला होगा हमारा R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, तो अब क्या है कि L 1 इज इक्वल टू 3L। ठीक है, इसको हमने 3 गुना खींच दिया लंबाई, इस तार को 3 गुना खींच दिया। ठीक है, तो जब 3 गुना इसको हम खींच देंगे तो A इज इक्वल टू जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो A अपान 3 हो जाएगा, 3 गुना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, R 1 इज इक्वल टू रो एल 1 अपान ए 1। ठीक है, तो R इज इक्वल टू R 1 इज इक्वल टू रो इंटू 3L अपान ए अपान 3। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए R 1 इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर जाएगा तो इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 9 रो एल अपान ए। तो अब आ जाएगा आर वन इज इक्वल टू, अब देखिए 9 गुणे 10। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आर वन इज इक्वल टू जाएगा 90 ओम और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 90 ओम, ऑप्शन हमारा ए सही है, 90 ओम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ए सही होगा, पारे के स्तंभ के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय ओम को पारे के स्तंभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ओम प्रतिरोध को नापने की इकाई ओम है। यह एक पारे के एक ऐसे कॉलम की प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर तथा मोटाई एक जैसी है, तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका भार जो होगा वह 14.4521 ग्राम होगा, तथा इलेक्ट्रिसिटी की चाल इसमें जो होगी वह, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की चाल होगी वह 27.2978.41.8 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्शित परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। यह एक
परिपथ बना के दे दिया गया है, दो दो ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसमें धारा I का मान कैलकुलेट करना है हमको। देखिए सबसे पहले जो इस चित्र है इसमें जो वोल्टेज दिया गया है वह 2 वोल्ट दिया गया है, यह है हमारा। तो देखिए R1 इज इक्वल टू 2+2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इक्वल टू 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 × 2/4+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 8/4 = 6, ठीक है। अब I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए वोल्टेज हमारा कितना था, 2 वोल्ट था, बटे R, R का मान है हमारा 8/6, ठीक है। अब देखिए 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1/8/6, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, तो 6 × 12, 12/8 = 8, ठीक। तो अब भाग दे देंगे, 8 का भाग दे देंगे 12 में, तो 8 × 8 = 4, दशमलव लगा देंगे 0, 8 × 5 = 40, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.5 एम्पियर हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ए सही होगा, 1.5 एम्पियर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 वाट 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध है। देखिए क्या है कि इसमें हमें दिया गया है P इज इक्वल टू 100 वाट वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट। अब फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू V² / P, ठीक। तो अब देखिए इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू V², तो वोल्टेज कितना है 230 × 230/P, 100 है, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 23 × 230 इज इक्वल टू आ जाएगा 5290/10। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 529 ओम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 529 ओम हमारा ऑप्शन सही होगा, B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है जहां I इज इक्वल टू धारा, V इज इक्वल टू वोल्टेज, R इज इक्वल टू प्रतिरोध। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा समीकरण हमारा सही है, तो देखिए इन सभी में जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह B सही होगा, R = V/I, ठीक है, R = V/I, या इसी को हम लिख सकते हैं V = I × R। तो बाकी सब नहीं होंगे, केवल R = V/I हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ 10 प्रश्न, मैंने काफ़ी हद तक समझा करके आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नमस्कार दोस्तों।